हाँ तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आप प्लिंथ बीम करते हैं उसके नीचे ब्रिक वर्क दें या ना दें। जैसे कि देख सकते हैं ये प्लिंथ बीम हुआ है। अब इसके नीचे ये जो अंदर की जितनी भी प्लिंथ बीम हुई है इसमें कहीं भी ब्रिक वर्क हम लोग ने नहीं कराया है। लेकिन आप आगे चल के अगर हम आपको दिखाएँ तो जैसा कि देख सकते हैं ये प्लिंथ बीम यहाँ ख़त्म हुई और इसके बाद वहाँ पर हम लोग ने ब्रिक वर्क करा दिया है। मतलब जितना भी देख सकते हैं आउटर है वहाँ पे ब्रिक वर्क हुआ है। अब इसके ऊपर हम लोग को प्लिंथ बीम करना है, ठीक है। तो मतलब जितनी भी आउटर है, मतलब उसके आगे जो आपके बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा नहीं है वहाँ पे हम लोग ने ये ब्रिक वर्क किया हुआ है। देख लीजिए ये जो टाई बीम जा रही है, ये प्लिंथ बीम जो जा रही है उसके नीचे देख सकते हैं आउटर में यहाँ पर ब्रिक वर्क हुआ है, लेकिन अंदर जो है वो नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारा ये जो है ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पूरा जो है फ्रेम स्ट्रक्चर है, इस पर जो ऊपर का लोड आएगा वो बीम के थ्रू, जो प्लिंथ बीम है उसके थ्रू कॉलम पे चला जाएगा, पूरा नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा, नीचे में फाउंडेशन में, कॉलम के थ्रू फाउंडेशन में चला जाएगा लोड, ठीक है। तो नीचे इसके ब्रिक देने का कोई मतलब नहीं है। बस ये जो ब्रिक दिया जा रहा है आउटर में इसलिए दिया जा रहा है जब ये प्लिंथ के एरिया में आप मिट्टी भरेंगे। होता ये है जो आपकी ओजीएल है, जैसे कि वो देख सकते हैं ये मिट्टी, ये ओजीएल है। इस ओजीएल से हम लोग ने प्लिंथ का जो ये हाइट रखा है वो लगभग 2 फीट रखा हुआ है ऊंचा, क्योंकि जो हमारा वो रोड है उस रोड के लेवल से हमको थोड़ा बहुत अप इसको रखना है। तो उस रोड से हम लोग ने 300 mm अप रखा है और ये जो ओजीएल है उससे लगभग 600 mm अप रखा हुआ है। इससे क्या होगा, रेनी सीजन में पानी ना आए, इसलिए हम लोग प्लिंथ मिनिमम 2 फीट ऊपर उठा के रखते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा भी ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे 2-4 फीट भी प्लिंथ ऊपर करके बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 फीट करके ऊपर उठा बनाया गया है। अब होगा ये जब इसके अंदर हम लोग मिट्टी भरेंगे, जैसे कि देख सकते हैं ये मिट्टी भरे हैं, तो ये रिटेन करने के लिए, इसे रोके रहने के लिए आउटर में हम लोग फॉल का ब्रिक वाल करते हैं, जैसे कि ये किया है, ये देखिए ये किए हुए हैं, ठीक है। आउटर में सब हुआ है। अब इसके ऊपर जिस तरह से ये प्लिंथ बीम हुआ है उसी तरह ये सभी दीवारों पे ये प्लिंथ बीम होगा। इससे क्या होगा, जब अंदर हम लोग मिट्टी भरेंगे, जैसे कि ये देख सकते हैं ये मिट्टी भरे हैं और आगे भी मिट्टी भरेंगे, तो ये मिट्टी को रोके रहने के लिए ये ब्रिक वर्क किया गया है। इस ब्रिक वर्क से क्या होगा, हमारी जो भी मिट्टी रहेगी वो बाहर बह के नहीं जाएगी। जब कंपैक्ट वगैरह करेंगे तो कोई भी मिट्टी हमारी बाहर नहीं जाएगी। बस मिट्टी को रोके रहने के लिए हम लोग को आउटर में बस ब्रिक वर्क करना है। अंदर में अगर ब्रिक वर्क आप करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। इससे लोड का भी कोई ऐसा नहीं है कि लोड आएगा तो ब्रिक लेगा, कोई मतलब नहीं है। अंदर में आप ब्रिक वर्क करेंगे तो अपना पैसा बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं है, पैसा बर्बाद करना है। अंदर आप ब्रिक वर्क कर सकते हैं बेहिचक, लेकिन पैसा बर्बाद नहीं करना है। स्मार्ट सोच से करना है तो आपको ब्रिक वर्क इस प्लिंथ बीम के नीचे नहीं करना है। बस मिट्टी भरिए, आउटर में ब्रिक वर्क कर दीजिए, बस चलेगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो देख के कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।